चांद का टुकड़ा धरती पर लाने को तैयार चीन। चीन का स्पेसक्राफ्ट चांगई 5 चांद पर किया लैंड। 44 साल बाद धरती पर आएगी चांद की मिट्टी। दोस्तों, अमेरिका से आगे निकलने का कोई भी मौका चीन छोड़ना नहीं चाहता है। चीन पहला ऐसा देश है जिसने 44 साल बाद कोई मिशन चांद पर लैंड करवाया है। इससे पहले ये काम सोवियत लूना प्रोग्राम के तहत किया गया था। करीब आधी सदी के बाद चीन पहली बार चांद की धरती से पत्थरों का सैंपल कलेक्ट करेगा। इससे पहले ऐसा अमेरिका ने अपोलो काल में साल 1976 में किया था। चीन का स्पेसक्राफ्ट चांगई 5 भारतीय समयानुसार यानी 1 दिसंबर की रात 8:45 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस यान को 23 नवंबर को चीन ने चांद के लिए भेजा था। चीन का चांगई 5 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चांद पर ऐसी जगह पर उतरा है जहां पहले कोई मिशन नहीं भेजा गया। ये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट कुछ हफ्तों के बाद धरती पर वापस आएगा। इसके साथ चांद की मिट्टी भी धरती पर आएगी। यानी 1976 के बाद पहली बार धरती के लोग चांद की मिट्टी देखेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। पहले इस मिशन को 2017 में शुरू होना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते आगे बढ़ा दिया गया था। चीन का ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 2 किलोग्राम मिट्टी लेकर वापस आएगा। चीनी मीडिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर पूर्व निर्धारित जगह के बिल्कुल पास उतरा है। रोबोटिक आर्म्स की मदद से चांद की धरती की खुदाई की जाएगी। इसके बाद मुख्य अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के नमूने को एक कैप्सूल में रखेगा और उसे फिर पृथ्वी के लिए रवाना कर देगा। इस पूरे मिशन में कम से कम 23 दिन का समय लग सकता है। अगर चीन का ये मिशन सफल हो जाता है तो चंद्रमा के बारे में कई नई बातें पता चल सकेंगी। चीन के अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाने के लिए जिस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है वो तरल केरोसिन और तरल ऑक्सीजन की मदद से चलता है। ये महाशक्तिशाली रॉकेट 187 फुट लंबा और 870 टन वजनी है। मिशन चांगई 5 का नाम चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। स्पेसक्राफ्ट की एक खामी बढ़ा सकती है परेशानी। चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट के साथ एक दिक्कत भी है। इसमें किसी भी तरह का आंतरिक गर्मी देने वाला मैकेनिज्म नहीं लगा है, यानी चंद्रमा की -170 डिग्री सेल्सियस वाली रात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसका पूरा मिशन 1 लूनर दिन के लिए है, यानी धरती के हिसाब से उसके पास सिर्फ 14 दिन का समय है ये काम करने के लिए। 14 दिन के अंदर चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह खोदकर उसमें से मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर वापस धरती की ओर लौटेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 3 दिसंबर को एक छोटा रॉकेट लैंडर और सैंपल को लेकर वापस ऑर्बिटर से जुड़ जाए। एक बार लैंडर और मिट्टी का सैंपल ऑर्बिटर पर पहुंच गया तो फिर वो उसे वापस आने वाले कैप्सूल में डाल देगा, जो 17 दिसंबर के आसपास मंगोलिया में लैंड कर सकता है। अगर ये पूरी जटिल प्रक्रिया सही से होती है, चीन ऐसे करने वाला दुनिया का 3रा देश बन जाएगा। चांद की मिट्टी से खनिज, अन्य गैसों, रासायनिक प्रक्रियाओं और जीवन की संभावनाओं पर रिसर्च करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी पता चलेगा कि चांद का भविष्य कैसा होगा। हालांकि अभी तक चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चीन के लिए काफी अहम है मून मिशन। ये चीन के लिए बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसकी सफलता उसके लिए काफी मायने रखती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिझियान ने उम्मीद जताई थी कि ये मिशन चीन से अच्छे अनुभव लेकर लौटेगा। उन्होंने कहा था कि स्पेस में खोज के लिए इंसानों के पास असीम संभावनाएं हैं। ये आमहित का ऐसा काम है जिसे सभी का भला होगा। उन्होंने कहा कि चीन दूसरे देशों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना चाहता है। वैसे तो चीन का स्पेस प्रोग्राम तेजी से बेहतर हो रहा है, लेकिन उसकी टक्कर अमेरिका के आर्टेमिस प्रोग्राम से है, जो साल 2024 तक इंसानों को चांद पर पहुंचाना चाहता है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी लैंडर को भेजने का प्लान बना रही है। इस मिशन का काम चांद की मिट्टी और चट्टान के सैंपल धरती पर लाना होगा। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मेलकम डेविस ने कहा था कि उन्हें लगता है कि चीन स्पेस पर राज कर सकता है, जिससे अमेरिका के लिए चिंता हो सकती है।
उन्होंने कहा कि चीन ने पहले ही 2049 तक स्पेस पावर होने की इच्छा जाहिर की है और हो सकता है कि वो पहले ही ऐसा कर दिखाए। साइंस न्यूज वेबसाइट के अनुसार एरिजोना यूनिवर्सिटी की प्लेनेटरी साइंटिस्ट जेसिका बॉन्स कहती हैं कि लोग चांद के अलग अलग हिस्सों पर अपोलो काल से ही जा रहे हैं, वहां से मिट्टी ला रहे हैं, इस बार चीन लेकर आएगा। खुशी की बात ये है कि काफी लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है। जेसिका बॉन्स अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा लाई गई मिट्टी के सैंपलों पर रिसर्च कर चुकी हैं। वुहान स्थित चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंसेस के प्लेनेटरी साइंटिस्ट लॉन्ग जियाओ कहते हैं कि चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट में एक ड्रिलर और एक चम्मच लगा है जो चांद की सतह को खोदकर करीब 2 किलोग्राम मिट्टी और छोटे पत्थर कलेक्ट करेगा। इसका ड्रिलर चांद की सतह पर 2 मीटर की गहराई तक खुदाई कर सकता है। चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट 23 नवंबर की रात में साउथ चाइना सी से लॉन्च किया गया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट को चांद की उस सतह पर उतारा है जहां पर करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी होते थे। ये चांद का उत्तर पश्चिम का इलाका है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। चीन ने अपना मिशन चांद के अंधेरे वाले हिस्से में नहीं भेजा है।